बुजुर्ग लोगों में दिमाग की उलझन या संभ्रम या गड़बड़ी क्यों होती है, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। देखो, 60 साल के ऊपर के लोगों में यदि संभ्रम हुआ, दिमाग में गड़बड़ी है, उलझन है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल कंफ्यूजन है, उनको याद नहीं रहता या वो इतने अलर्ट नहीं है जितना चाहिए, उतना सतर्क नहीं है, चिढ़ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जितना चाहिए उतना है नहीं, तो ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी उनको चक्कर आना या थकान जल्दी आना ऐसा भी लगता है। तो फिर ये क्यों होता है? तो 60 साल के ऊपर समझो ऐसा कोई बुजुर्ग मेरे पास में आया तो मुझे पहले ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कोई तो भी ट्यूमर वगैरह है क्या ब्रेन में, इसलिए ऐसा हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन ब्रेन में हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, या फिर अल्जाइमर डिसीज है और अल्जाइमर का डिमेंशिया, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि भाई बुजुर्ग लोगों को जो डिमेंशिया होता है, भ्रमिष्ट हो जाना, तो अल्जाइमर नाम की बीमारी इसलिए ऐसा हुआ है, मगर ये कॉमन कारण नहीं है। कॉमन कारण जो है, बहुत आम कारण, वो आम कारण ऐसे है कि शरीर में पानी का कम होना। क्या होता है कि 60 साल के ऊपर यदि अपने शरीर में पानी का कम है, डिहाइड्रेशन है, तो वैसे ही मालूम नहीं पड़ता कि डिहाइड्रेशन है। नंबर एक, पानी पीना है तो ख्याल नहीं रहता कि पानी पीना है करके, और जब पानी पीना कम है तो फिर वो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होना एक प्रमुख कारण हो जाता है नंबर एक। और फिर डिहाइड्रेशन डायबिटीज से भी हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब मधुमेह की बीमारी, उससे डिहाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि उसमें उनको जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी नहीं, शक्कर का बहुत ज़्यादा प्रमाण है, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है और पेशाब में जलन हो जाती है, और पानी कम पीने के बाद में पेशाब में जलन हो रही है, फिर और कम पानी पी रहा है तो फिर और जलन हो रही है और फिर उसका इन्फेक्शन हो रहा है। तो समझो ऐसी बात हो रही है कि पेशाब में मतलब जलन हो रही है, मधुमेह, शक्कर की बीमारी है, तो मेन कारण जो है उसमें पानी की कमी और पानी कम पीना। तो अभी इसके लिए क्या करें? दो बातें हैं। एक तो क्या है कि 60 साल की उम्र हर व्यक्ति ने एक अलार्म लगा के रखना चाहिए। कौन सा अलार्म? पानी पीने का, कि भाई हर 2 घंटे बाद में मैं पानी पीऊंगा। समझो पानी पीना है तो पानी पीने के साथ में कोई शरबत भी ले सकते हैं, पानी के साथ में जो पानी पीना नहीं है तो जूसेस ले सकते हैं, कोई मतलब कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं। बेस्ट यह है कि भाई पानी पी रहे, फिल्टर्ड वाटर या आरओ का पानी पीना है कि जिसमें एकदम उससे अच्छा खासा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा नंबर एक। उसमें क्या होगा, वो आपको तुरंत फायदा दिखेगा कि इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, थकान, भूल जाना, भुलक्कड़पना है दिखेगा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, घर के लोगों ने उनको याद दिलाने का है, देखना है कि भाई वो व्यक्ति पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है। क्योंकि काफ़ी मेरे पास में काफ़ी बार ऐसा होता है कि 60-65 साल के ऊपर के लोग मेरे पास में आते हैं, चिड़चिड़ा है, कभी वायलेंट हो जाता है, गुस्सा करता है, और उसको हम दाखिल कर लेते, बोले 1-2 दिन का है, दाखिल कर लेते हैं, उसको सलाइन चढ़ाते हैं, आईवी फ्लूइड्स, और दूसरे दिन वो अच्छा हो जाता है, इतना फर्क। तो इतना ही मैसेज मुझे देना है कि 60 साल की उम्र के ऊपर पानी लोग कम पीते तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिससे आपका मेंटल कन्फ्यूजन जो है वो ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बहुत लोगों के जीवन में फ़र्क कर सकते हैं। कैसा? ये वीडियो शेयर करके, ताकि लोगों को मालूम ही नहीं, तो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, स्पेशली 60 साल के ऊपर के जो ज़्यादा पानी पियेंगे और अपना स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।